बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने कराह लाए सांसद शिवमंगल सिंह तोमर बोले, जिसने विकास के लिए दिया इस्तीफा उन्हें जिताना हमारी जिम्मेदारी। उपचुनाव में जहां एक ओर सत्ता पार्टी और विपक्ष अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इसी क्रम में लोकसभा सांसद शिवमंगल सिंह तोमर भी चुनावी प्रचार के लिए गांव गांव जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में श्री तोमर को विजय हासिल करवाने में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का अहम योगदान था। आज रामनिवास रावत मैदान में है, देखना होगा सांसद उनका यह एहसान उन्हें चुनाव जितवाकर उतार पाएंगे क्या। आज कराहल बीजेपी मंडल के प्रचार के लिए बड़ी भूमिका बनाई है, इन कई गाड़ियों के साथ आज गांव गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माननीय सब मंगल जी तोमर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सांसद जी, आज चुनाव प्रचार के लिए आए, कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं? विपक्ष भी पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। से विजयपुर क्षेत्र में ही है, अब आज कराल मंडल में है, कल वीरपुर मंडल में थे, पहले दिन उधर 25 को इधर से विजयपुर मंडल में। तो आपके विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है वो विकास की राह लेकर आया है। पिछले समय में भी रामन व्यास जी भाई साहब के इस्तीफे के बाद कई सभाएं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की हुई, उसमें ढोकर का तालाब और लोड़ी के तालाब जैसी स्वीकृति होकर इस क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। कई सड़कें जो आवश्यक थी इस क्षेत्र के लिए वो भी घोषणाएं हुई, और नगर पालिका नगर पंचायत बनाने के लिए कराल की भी घोषणा हुई है, उसमें भी इधर उधर से पंचायतें मिलाकर नगर पंचायत बनाने का काम होगा। तो विजयपुर क्षेत्र का हर संभव विकास करने का काम, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो सिंचाई के साधनों का हो, या नगर से संबंधित सीमाओं के मामले में नगर पंचायत कराल का हो, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए माननीय रामनिवास जी द्वारा जो इस्तीफा दिया गया कांग्रेस में वो हो नहीं सकता था। उनका क्या है, आखिरी चुनाव समझकर उन्होंने कहा कि मैं कब तक लड़ता रहूँगा विरोध में, और इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। जिस जनता ने उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिया उस जनता के लिए विकास के लिए नहीं कुछ कर सके, सिंचाई के साधन नहीं कर सके, या सब स्टेशन नहीं बना सके, या सड़कें नहीं बना सके। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर, और भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है और विकासशील पार्टी है, जिसने चेंटीखेड़ा जैसा बांध बनाया मेरे क्षेत्र में, इस ध्येय को लेकर हमारे उम्मीदवार ने इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर विकास के लिए इस क्षेत्र को चुना के अब विकास इस क्षेत्र के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी वीरपुर आए, विजयपुर आए, कराल आए, कई घोषणाएं की, और आधी से ज़्यादा घोषणा 50% से ज़्यादा घोषणाओं पर तो अमल हो गया, टेंडर भी हो गए, भूमि पूजन भी हो गए। तो ऐसे माननीय रामनिवास जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो विकास करती है, चाहे वो किसी भी तरह का क्षेत्र का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेज जैसा शिवपुर को देने का काम हो, चाहे चेटीखेड़ा जैसा बांध जो सिंचाई के लिए किसानों के लिए हो, हर क्षेत्र में चाहे रेल का जो बड़ा ब्रॉडगेज का रेलवे की लाइन डालकर और शिवपुर तक, उसको आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी कोटा तक पहुंचाने का काम करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में मांग रहे हैं। आपको चुनाव जिताने में रामनिवास जी की अहम भूमिका थी, आप कितना फ़ायदा पहुँचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास जी अब हमारे नेता हैं, और उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को मदद की, और कोई भी व्यक्ति पंच सरपंच का इस्तीफा नहीं देता। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर विकास कर सकते हैं। और मैंने तो मंच से विजयपुर में ऐलान किया है कि ये कांग्रेस के जो विधायक घूम रहे हैं वो भी अगर इस्तीफा देकर आ जाएं तो उनके क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा, उनकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए उनने मदद की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विजयपुर क्षेत्र ने
विजयपुर क्षेत्र के मतदाताओं ने और विजयपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने और रामनिवास जी ने जो मेरी मदद की है उसका ऋण चुकाने का पूरा 5 साल में काम करूंगा। और इस क्षेत्र के लिए किसी भी तरह की कोई हम और रामनिवास जी मिलकर और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस क्षेत्र को एक एक गाँव पंचायत से लेकर और तहसील तक जहाँ भी होगा जितनी कोशिश हो सकेगी उतना विकास करने का काम पूरी पार्टी करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी आज कहकर गए हैं कि मेरी जीत से घबरा रहे हैं तो FIR करा रहे हैं, क्या ये कहना उचित है? कांग्रेस प्रत्याशी तो वैसे ही नक्सलवादी टाइप के लोगों से संबंध है उनके, और कांग्रेस प्रत्याशी अगर जीत गए तो यहाँ क्या होगा ये सब लोग जानते हैं कि क्या क्या करेंगे जी। और कांग्रेस प्रत्याशी कर क्या सकते हैं यहाँ जीतने के बाद या अभी, वो तो चारों तरफ घूम फिर के पहले भाजपा में फिर BJP में फिर इधर हो गए फिर भाजपा में आए फिर निर्दलीय चले गए और फिर भाजपा में आके और फिर चले गए, तो इनका कोई वो नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी आके कांग्रेस में चले गए और फिर पता नहीं कांग्रेस से कब चले आएंगे, इनका कोई वजूद नहीं है, ये दल बदलू व्यक्ति हैं। उनका यही कहना है कि BJP जब मुझे लेती है तो मुझे नक्सलवाद क्यों नहीं मेरी पहचान पाती है, उनका ये कहना है, तब मैं क्यों नहीं रहता नक्सलवाद। BJP ने समझ लिया तभी तो उनको अध्यक्ष पद से हटाया था, BJP ने यही बात तो समझ ली थी कि इनको अध्यक्ष बनाया था कि नहीं, तो जब बात समझ में आ गई कि जे सनातन विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। 23 तारीख को कितने मतों से जीतने वाले हैं आपके प्रत्याशी? हजारों मतों से। 50,000। बंटी चौहान जी, लंबा काफिला है गाड़ियों का, कहाँ जा रहे हैं आज, कहाँ प्रचार प्रसार है? आज हमारे मंडल में हमारे शोपुर मुरैना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शुभमंगल सिंह जी तोमर अपने काफले के साथ करहाल मंडल के शिलपुरी और बरगमा सेक्टर में आदरणीय भाजपा प्रत्याशी हमारे रामनिवास जी रावत के समर्थन में लंबा एक काफला लेकर चुनाव प्रसार पर हैं। और अभी वर्तमान में पनवाड़ा है, सिरसनवाड़ी है, लहरौनी है, परतवाड़ा है, बरगमा है, इस पूरे क्षेत्र में आज घर घर संपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील माननीय सांसद जी शुभमंगल सिंह तोमर द्वारा की जा रही है। और बहुत ही अपार लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार जीत होगी BJP की? बहुत बेहतरीन वोटों से, 50,000 वोटों से भाजपा जीतेगी। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस? बिल्कुल, संपूर्ण कार्यकर्ता अपने दम खम से लगा हुआ है और इस बार 50,000 से ऊपर से रामनिवास जी इस चुनाव में विजय होंगे।